भाजपा ने नीतीश कुमार के बहाने चिराग उपेंद्र कुशवाहा को निपटाया। उपेंद्र कुशवाहा हड़बड़ी में जेडीयू छोड़ आते हैं और कहते हैं कि हम अपनी विरासत को बचाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि आगे का सब कुछ तेजस्वी यादव संभालेंगे। इसलिए अगर लव कुश को पावर में रहना है, अगर वो अपना राजनीतिक महत्व बरकरार रखना चाहती है, तो फिर उसे एकजुट होना होगा और उपेंद्र कुशवाहा लव कुश समीकरण का सर्वमान्य नेता होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस बीच बीजेपी ने खेल कर दिया। सम्राट चौधरी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, उसे इस तरीके से पावर दी गई। मोदी शाह ने उसके सिर पर हाथ रखा कि जब वो पहली बार प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पटना आया तो तमाम दिग्गज से दिग्गज नेता उसकी खातिरदारी में लग गए, क्योंकि सबको पता था कि सम्राट चौधरी के सिर पर मोदी शाह का हाथ है, ताकि कुशवाहा समाज के बीच ये मैसेज जाए कि सम्राट चौधरी बिहार का बीजेपी का सबसे बड़ा नेता बन चुका है और फिर कुशवाहा उससे जुड़ना शुरू हो चुके हैं और उससे कुशवाहा समाज के लोग जुड़ना शुरू हो सके और उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति जो है उसकी जो धार है वो थोड़ी कम हो, कुशवाहा समाज के बीच में ये मैसेज जाए कि उपेंद्र कुशवाहा से ज्यादा पावरफुल बिहार में सम्राट चौधरी हैं और इसलिए उनको एमएलसी नेता से प्रदेश अध्यक्ष बनाया, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद आपको ग्राउंड पर काम करना होता है, आपके पास वक्त ज्यादा होता है, आप तमाम नेताओं से मिल सकते हैं, संगठन पर काम कर सकते हैं, क्योंकि आपका मुख्य काम जो है वो संगठन को धारदार बनाना होता है। इसलिए सम्राट चौधरी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया ताकि जो ग्राउंड लेवल पे कुशवाहा समाज के नेता हैं उसको अपने खेमे में कर सकें। दूसरी तरफ चिराग पासवान की बात कर लेते हैं। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने सरेंडर कर दिया है, उन्होंने साफ तौर पर मन से कह दिया कि नरेंद्र मोदी के सामने कोई और विकल्प है ही नहीं, विपक्ष में एकजुटता है ही नहीं, और यह भी कह दिया कि सम्राट चौधरी से हमें कोई ऐतराज नहीं है, जेडीयू का मेन माल तो हम निकाल लाए, जो बचा था उसे सम्राट चौधरी ने खोर दिया। लेकिन यह कहने को तो एक बयान है, उपेंद्र कुशवाहा ये जानते हैं कि अगर सम्राट चौधरी का कद बढ़ता गया तो फिर उनका जेडीयू से अलग होने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, कुशवाहा समाज के प्रभावशाली लोग जो हैं उन्हें छोड़कर एक एक करके सम्राट चौधरी के खेमे में जाने लगेंगे। और जैसे ही वक्त के साथ यह एहसास हो गया कि उपेंद्र कुशवाहा जो है उनके साथ रहने में हमारी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो सकती है, हमें टिकट नहीं मिल सकता है, हमें बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिल सकती है, तो सम्राट चौधरी के पक्ष में जाना शुरू करेंगे। तो उपेंद्र कुशवाहा ने तो सरेंडर कर दिया कि हमें सम्राट चौधरी से कोई दिक्कत नहीं है, यानी अब उनका जो सीएम बनने की जो महत्वाकांक्षा थी उसको कहीं ना कहीं छोड़ दिया है, वो बीजेपी की राजनीति को समझ गए हैं कि सम्राट चौधरी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष क्यों बनाया गया है। दूसरी तरफ चिराग पासवान ने अब तक सरेंडर नहीं किया है। हमने चिराग की पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से बात की थी, तब उन्होंने कहा था कि बीजेपी का अगर विवेक ठीक ठाक रहता है तो वो चिराग पासवान को सीएम का फेस बना देंगे, क्योंकि बीजेपी के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है। चिराग पासवान जो काफी अच्छी तरीके से बात रखते हैं, उनके पास आइडियाज हैं, लोग उनको पसंद करते हैं, युवाओं के बीच में फेवरेट हैं, इसलिए अगर तेजस्वी यादव को टक्कर बीजेपी देना चाहती है तो चिराग पासवान जो एक युवा चेहरा है उसको तेजस्वी के सामने खड़ा करना होगा, तभी एनडीए सत्ता में आ सकती है। कुछ दिनों पहले ही जो चिराग की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी हैं साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि हम जिसके साथ जाएंगे बिहार में सरकार उसी की बनेगी, महागठबंधन के साथ जाएं तो सरकार उसकी बनेगी, एनडीए के साथ जाएं तो फिर सरकार एनडीए की बनेगी। आपको याद होगा कि चिराग पासवान को कैसे झटका दे दिया गया, पशुपति कुमार पारस जो लगातार चिराग पासवान के अस्तित्व को ही नकार रहे हैं, लगातार पारस की पार्टी से चिराग पासवान पर हमले किए जा रहे हैं, और वो तस्वीर भी सामने आई जब पशुपति कुमार पारस जो है वो अपने सांसदों के साथ जो हाजीपुर के एमएलसी थे उसको लेकर पीएम मोदी से मिलने पहुंचे और वो मुस्कुराता हुआ तस्वीर काफी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। तो क्या चिराग पासवान इस वक्त भी सीएम बनाए जाने को लेकर बीजेपी के साथ डील करने को लेकर संघर्ष कर सकते हैं, या फिर वो उपेंद्र कुशवाहा की तरह सरेंडर कर देंगे कि चलिए हम मुख्यमंत्री बन ना पाए, कम से कम केंद्र में मंत्री तो बन जाएंगे, कुछ सीटें लोकसभा की मिल जाएंगी, कुछ सीटें जो हैं वो हमें विधानसभा की मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं भाजपा ने नीतीश कुमार के बहाने उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान को निपटा दिया, यानी चिराग पासवान उपेंद्र कुशवाहा जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे कि बीजेपी के पास कोई चेहरा है नहीं इसलिए हमें बना दिया जाए क्योंकि हम में काबिलियत है, अब सम्राट चौधरी को आगे करके, और मोदी शाह ने अपना सिर उनके हाथ पर रखकर यह बताने की कोशिश की कि सम्राट चौधरी को फुल अथॉरिटी है, और कहीं ना कहीं
एक तरफ पशुपति को पारस से मिलना, उनके साथ मुस्कुराते हुए तस्वीर वायरल करना, यानी चिराग पासवान उपेंद्र कुशवाहा को साफ मैसेज है, आप लिमिट पे रहिए, आप अगर चाहें हमें समर्थन कीजिएगा, आपको केंद्रीय मंत्री बना देंगे, लोकसभा विधानसभा की जरूरत के हिसाब से सीट दे देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब छोड़ दीजिए। और सम्राट चौधरी ने मन से ऐलान भी कर दिया है सम्राट अशोक की जयंती पर कि हमने कई लोगों को मुख्यमंत्री बनाया, लालू यादव को पहली बार हमने मुख्यमंत्री बनाया, नीतीश कुमार को कई बार मुख्यमंत्री बनाया, अब भाजपा का अपना चेहरा होगा सीएम का, अब भाजपा अपने दम पर बिहार में सीएम बनाएगी। आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फेसबुक पर देख रहे पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।